Yes, students, Assalamu alaikum. I hope you would be doing fine in your respective homes, sitting to the books, and you are preparing well for the coming examination. Tomorrow it's mathematics test being taken online, so definitely you need tips before recording your responses there. तो आपको मैं कश्मीरी में बता दूंगा उर्दू में कौन कौन से टिप्स आपको चाहिए मैथमेटिक्स टेस्ट के लिए कल, बिकॉज आई एम शोल्डरिंग द टास्क ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यू देयर वायर एम इन बीएचएस कोकरूसा देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स टीचर सो आई एम शोल्डरिंग द टास्क टू टीच यू मैथमेटिक्स आई कंसिडर माई सेल्फ एज योर मैथमेटिक्स टीचर देयर स्टूडेंट्स You need to have your own Android phone. पहले आपको अपना Android phone होना चाहिए. अगर अपना नहीं है, if you are poor, you can't afford. अगर आप गरीब हो, आपके पास ये Android phone नहीं है, तो आप एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए किसी हमसाये से मांग सकते हो, और आपकी जो ज़रूरत होगी, वो पूरी होगी. आपको हमसाये से मांगना है या फ्रेंड से मांगना है या किसी रिश्तेदार से मांगना है एक घंटे के लिए ये तो एक फोन पे एक ही रेस्पॉन्स रिकॉर्ड होता है सो यू शुड हैव इन पोजीशन ऑफ योर ओन एंड्रॉइड फोन वेदर यू आर पोजेसिंग इट और यू विल गेट इट फ्रॉम योर नाइबर और फ्रेंड बट लेकिन आपके पास होना चाहिए एंड्रॉइड फोन तो 11 बजे कल मैथमेटिक्स की लिंक ओपन हो जाएगी लिंक जब ओपन हो जाएगी तो आपकी ईमेल आईडी भी जरूरी है विदाउट ईमेल आईडी यानी ईमेल आईडी के बगैर ये चीज़ें बिल्कुल मुश्किल हो जाती हैं व्हेन यू आर अपलोडिंग योर रेस्पॉन्स जब आप अपनी रेस्पॉन्स वहां पे रिकॉर्ड करते हो जब लिंक ओपन होगी तो आपसे पहले फॉर्म कोड मांगा जाता है दैट इज 3007 फिर आपका स्कूल कोड मांगा जाएगा तो स्कूल कोड आपको याद है सारे बच्चों का हमने लिख के दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है जहाँ पे आप ऐड हो तो ऐड शो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इवन लिंक दिया हुआ तो स्कूल कोड दिस गणतरा हो और आपका रोल नंबर पूछा जाएगा रोल नंबर क्या होते क्लास रोल नंबर शिशु और इसके बाद आपको पूछा जाएगा योर एजुकेशनल जोन यानी आप किस जोन में फॉलो करते हो एजुकेशन जोन आपका बिलगाम है और आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है आप किस डिस्ट्रिक्ट से है वेयर वी बिलोंग टू कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हैं तो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है वहाँ पे इसके बाद वहाँ पे पेपर ओपन होगा 25 ऑब्जेक्टिव्स होंगे एवरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शल हैव 4 अल्टरनेटिव्स इसके 4 नीचे जवाब दिए होंगे और 4 में से जो करेक्ट होगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आपको भरना है जैसे आपके मैं बता दूंगा आपका जो नंबर सिस्टम है वहाँ से आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है और प्रोबेबिलिटी पे ख़त्म होता है नंबर सिस्टम में आपको यूक्लिडियन डिवीजन लेमा पूछा जाएगा इनमें से यूक्लिडियन डिवीजन लेमा कौन सा है ए इज इक्वल टू बी के प्लस आर और जीरो इज लेस देन आर इक्वल आर ये है ए इज इक्वल टू बी को प्लस आर वाई जीरो इज लेस देन एवरी इंटीजर एंड आर इज लेस देन बी और आर इज नॉट लेस देन बी ये पूछा जाएगा इट इज एक्चुअल इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वायर जीरो इज लेस देन आर इक्वल आर इज लेस देन बी यहाँ आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉट ए प्राइम नंबर ये इनमें से दिया गया है जितने भी नंबर दिए गए इनमें से प्राइम कौन नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 दिया होगा 3 दिया होगा 5 दिया होगा 7 दिया होगा तो प्राइम नंबर ऑलरेडी इन योर माइंड इट कंटेन्स ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ सो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर तो यही भरना आपको इसके बाद आपके जो पॉलीनोमियल हैं वो इसमें पूछे जाएंगे सवाल कि पॉलीनोमियल क्या हो सकता है क्यूब किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं लीनियर किसे कहते हैं जिस पॉलीनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 होता है हाईएस्ट पावर ये लीनियर है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होगा क्वाड्रेटिक है जिसमें 3 होगा हाईएस्ट पावर वो क्यूबिक है इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे सम कैसे निकालते हैं फर्स्ट 10 टर्म्स या 20 टर्म्स का
यहाँ डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फिर ट्रैंक्स में पूछा जाएगा ट्रैंक्स कितने पार्ट होते हैं, थेलस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। इसके बाद आपको और इसमें पूछा जाएगा सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में, वहाँ पे काफ़ी मैथमेटिकल फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद सर्कल से पूछा जाएगा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, इसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं इसे, और हाफ ऑफ डायमीटर को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होते हैं कैसे निकाली जाती है, टू पाई आर, एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं सर्कल के, दो हो सकते हैं। और टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, सिंगल पे करता है, ये पूछे जाएंगे सर्कल से। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, जैसे साइन 60 का है √3/2, जैसे टेन 45 का 1 है, ये पूछे जाएंगे ये वैल्यूज। इसके बाद आपको किससे पूछा जाएगा, इसमें स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स में आपको पूछा है ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अनग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा कैसा मीन निकालते हैं, दैट इज समेशन ऑफ क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज समेशन ऑफ एफ वन वाई वन इनटू एफ वन। तो इस तरह आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर मैं आपको ये चीज़ें रिपीट करता हूँ, आपको 25 होंगे वहाँ पे कुल ऑब्जेक्टिव टाइप, 25 ऑब्जेक्टिव टाइप, एक क्वेश्चन के कुछ अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन होंगे, चार होंगे, चार में से जो करेक्ट वही भरना है, लेकिन आपका एंड्रॉयड फ़ोन अपना होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो हमसे ऐसे आप मांग सकते हो, फ्रेंड से मांग सकते हो, एक घंटे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये 3 घंटे तक ये लिंक चालू रहती है। इट गेट्स ओपनड एट 11 AM एंड रिमेंस एक्टिव अप टू 2 PM अप्रॉक्सीमेटली। ये टिप्स हैं, लेकिन यू नीड नॉट टू कम स्कूल, आपको स्कूल नहीं आना है, बिकॉज स्कूल्स आर सेट, स्कूल आर ऑलरेडी सेट, यू हैव टू फिल योर, यू हैव टू रिकॉर्ड योर रेस्पॉन्स फ्रॉम जस्ट सिटिंग योर होम्स, आपको घर में बैठना है, वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स देने हैं। दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम गिविंग द टिप्स, बिकॉज आई एम शोल्डरिंग टास्क टू टीच यू द मैथमेटिक्स देयर वेयर आई एम पोस्टेड इन BHS कुकरूसा, सो यू नीड सम काउंसलिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम अ टीचर, सो आई एम रेस्पॉन्सिंग, I am taking the responsibility on my shoulders to share these things with you so that you can fetch the maximum marks or you will record the maximum number of correct responses. Thanks, be blessed.